ठीक है सर, अभी जो 230 के आसपास में चल रहा है, और मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था, आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। उस टेक्निकल में मैंने आप लोगों को बताया था कि 240 का लेवल तोड़ेगा तो ही आप में को इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है जो कि इसे नीचे की तरफ में ला सकती है चीज़ों को। और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चेन में भी आप लोगों को चीज़ें क्लियरली तौर पर दिखा दूँ, जो कि मैं 230 के लेवल पर देख रहा था, जो मुझे शॉकिंग सा लगा यहाँ पे कि 230 के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉल राइटिंग हो रखी है। और आज के दिन में अगर मैं बात करूँ तो 21 लैक्स के आसपास में इसमें कॉल राइटिंग हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये श्योर है कि 230 के लेवल के नीचे में जाएगा। और यहाँ पे इसकी कंपेरिजन में पुट राइटर देखो तो 55 के आसपास में है, तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। 230 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ से आप मान के चलिए काफ़ी नीचे में जा सकता है ये शेयर। 225 के फिर यहाँ पे आ सकता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस बनाए, इस लेवल को के आसपास भी आ सकता है ये आराम से, 221 के लेवल के आसपास में। तो अभी आपको क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को सिंपली तौर पर बता दूं। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे एक पोजीशन में कुछ नीचे में आपको मिलता है, अभी यहाँ पे कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी आपके लिए, क्योंकि अभी फरवरी के सेशन में काफ़ी लोग इसमें अभी, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटर जैसे ही देखता है शेयर को ऊपर जाते हुए तो उसकी खुजली होने लगती है और वो सेल करने लग जाता है शेयर को। तो उनसे बचने के लिए या तो आपको पूरी ताकतें लगा के 240 का पार करवाना पड़ेगा, तब ये ऊपर की तरफ में निकल सकता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन राइटिंग और 220 के लेवल के आसपास में थोड़े से पुट राइटर इसके सपोर्ट में हैं, जो कि हमें एक अच्छा दिखाता है कि हाँ यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। 20 के लेवल पे 69 पुट राइटर है, तो ये मेरे ख्याल से मेजर सपोर्ट का काम जरूर करेंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे थे एक कॉल राइटर वो हटते हुए नजर आ रहे हैं, 2 लाख जो थे वो अपनी वाइंड अप करके चले गए हैं, और 57 लैक्स अभी खड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं 220 के लेवल के आसपास में आता है तो आप अपने एक मेजर एक स्टॉक ले सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये इस लेवल पे सर्वाइव रह जाता और ये 240 के लेवल को तोड़ देता तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाएगी। और जैसे कि मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि इसके जैसे रिजल्ट सुधरते हुए नजर आए हैं, और अभी इसके टैक्स का बर्डन भी नहीं अभी बढ़ाया गया, तो ये एक अच्छा शो करेगा इसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट वाले सेक्शन में। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये दिखाई देगा मैं एनुअल रिजल्ट में, तो वहाँ पे एक सुंदर तरीके से वहाँ पे उसे टैक्स कम देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर के पास में आएगा। आपको एंट्री करनी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 230 का लेवल नीचे तोड़ने दीजिए, तब आप बाय कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग लॉन्ग इन्वेस्टर है इसके अंदर में। 220 के लेवल पे आप एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, अभी के जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 221 का, वो एक सपोर्ट का काम में आ गया है। और अगर इसको सपोर्ट को बना के रखता है तो हम फिर से 220 के अगर लेवल पे आते तो फिर से 240 के लेवल पे चढ़ सकता है। तो अभी मैं बता दूं अगर ये 240 के लेवल पे तोड़ देता है तो वहां से हम नए इसे बता दें 265 के लेवल भी आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजिशन के हिसाब से, क्योंकि अगर ये तोड़ता है 240 के लेवल टाइम में पैसा दे देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके जुड़ जाएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।